भारतीय किसान यूनियन ने किसान नेता युद्धवीर सिंह को हिरासत में लिए जाने एवं यात्रा पर प्रतिबंध लगाने और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ लिखित समझौते का उल्लंघन किए जाने के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। किसान सोमवार को भारी संख्या में अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए और जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में वहां उपस्थित नगर मजिस्ट्रेट किशुक श्रीवास्तव को एक ज्ञापन पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेताओं को पुलिस सहित केंद्र सरकार की जांच एजेंसी द्वारा उन्हें कॉरपोरेट समर्थक कृषि अधिनियम को निरस्त करने की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने लंबे चले ऐतिहासिक किसान संघर्ष से संबंधित दर्ज आपराधिक मामलों में फंसाने के लिए जानबूझकर किए गए अनुचित कार्यों से किसानों में भारी रोष है। ज्ञापन में आगे कहा गया कि केंद्र सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित 9 दिसंबर 2021 के लिखित पत्र के आधार पर संयुक्त किसान मोर्चा के साथ एक समझौता किया। इसके आधार पर ऐतिहासिक किसान संघर्ष को स्थगित कर दिया गया। समझौते के आधार पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा की राज्य सरकारें किसान संघर्ष से संबंधित सभी मामलों को तुरंत वापस लेने के लिए पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन 2 सालों के बाद भारतीय किसान संघ के महासचिव युद्धवीर सिंह को 29 नवंबर 2023 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह कहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया कि 2020-21 के दिल्ली में ऐतिहासिक किसान संघर्ष से संबंधित मामलों में आरोपी हैं। हालांकि किसान आंदोलन के कड़े विरोध के कारण दिल्ली पुलिस को उन्हें रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा था, लेकिन दिल्ली पुलिस के रवैये से किसानों में भारी रोष है। प्रदर्शन के दौरान किसानों की स्थानीय समस्याओं को भी उजागर करते हुए उनका समाधान किए जाने की मांग उठाई गई। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज किन मुद्दों को लेकर ये भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रदर्शन किया गया? ये राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश में ये सब पूरे उसमें है देश में, और एक तो ये है कि जब पहले दिल्ली संभव हुआ था तो उसमें ये थी कि जितने भी किसान नेता हैं उनसे जो मुकदमे हैं वो सब मुकदमे जो है वापस दे दिए। एमएसपी गारंटी कानून बनाएगी, तो वो जो दिल्ली में धरने पर जो समझौता हुआ था उसमें कोई भी पूरा नहीं किया गया, उसमें आज राष्ट्रपति महोदय को जो है ज्ञापन दिया गया और उसके बाद जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उसके हिसाब से काम किया। और भी इसमें किसानों की समस्याएं भी हैं यार, बहुत दिनों में तो हमने कही है तुमसे। अच्छा नहीं, अच्छा बाकी जो ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा, बाकी चलेगी समस्याएं जैसे बिल्कुल चक्कर काफी दिन हो गए, गन्ना मूल भुगतान शुरू नहीं हुआ, सेंटरों पर घटतौली हो रही है, मिल सीधे गेट पर गन्ना खरीद रहे हैं, उसके बाद ये लगा लो बिजनेस बिजली के गांव में जा रही है और पूरी तरह से लूट कर रही है। मान लिए 10 जने पकड़ लिए गांव में जाके झूठे सच्चे, उसमें दो और बाकी सबसे पैसे लिए, दो के नाम मुकदमा। एक एक महीना तो एक समय लेके हमने डीएम साहब को 9 तारीख तक का समय दिया, अगर 9 महीने उसमें 19 तारीख तक नहीं होता तो 20 तारीख से जो है धरना। प्रदर्शन में डॉक्टर नौ सिंह ढिल्लो राष्ट्रीय सचिव के अलावा डॉक्टर चरण सिंह, नौशे अली, नरेंद्र प्रताप चौहान, शुभम राठी, राजेंद्र चौधरी, गजेंद्र सिंह ढिल्लो, अरविंद चौधरी, शराफत अली, अयूब अली, धर्मेंद्र शर्मा, जितेंद्र सिंह एवं ऋषिपाल सिंह सहित भारी संख्या में किसान मौजूद रहे।